जो ग्राम पंचायत मोखा व खुर्द के मस्टोल नहीं जारे करने का मामला था, वो मामला हल हो गया है। हल हो गया है, धरना समाप्त हो गया, धरना समाप्ति है, इनको विश्वास दे दिया धरना समाप्त कर देंगे, वहाँ जाके समाप्त करते हैं धरना स्थल पर। सर कितने मस्टोल है जिनको जारी करने पर सहमति बन चुकी है? जितने मतलब मांग है लोगों की उसके अनुसार। तो ये माने कि हेमाराम चौधरी जब बैठते हैं तो वो निर्णय करवा के उठते हैं? मैं बैठ करके निर्णय करवाना लगो, मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिल गया, बस न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय की लड़ाई में हमारे को सफलता मिल गई, प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया, उसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। सर आपका जो स्तर है राजनीतिक रूप से वो बहुत बड़ा है बाड़मेर जिले के लिहाज से, तो ये नई परिपाटी शुरू नहीं हो गई कि मांगों को मनवाने के लिए नेताओं को भी अगर आप जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को धरने पर तीन तीन दिन? नेता और है किस लिए, पब्लिक के लिए तो है, पब्लिक के काम के लिए नेता अगर संघर्ष नहीं करेंगे लड़ेंगे नहीं तो फिर काय के नेता? नहीं, प्रशासन जो है उनके लिए ये परिपाटी नहीं पड़ गई? प्रशासन को नहीं पार पड़ी तब हमने धरना दिया, और प्रशासन अब वो तीन दिन का ही तो है, तीन दिन में मान लिया ना, हो सकता है तीन महीने चल हम बैठना पड़ता, हो सकता है तीन साल बैठना पड़ता, ये तो शुक्र है प्रशासन का, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि तीन दिन में ही हमारे मामला हल कर दिया उन्होंने। देखिए मोखावा सरपंच साहब के पिछले डेढ़ महीने से इनके कोई काम सेक्शन हुए थे टांकों के और गिरोल सड़क के, और वीडियो ने मिस्टोल जारी नहीं किए, इसके बारे में कई बार शिकायत की गई, सीओ साहब से मिले थे, और पिछली बार जिला परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें भी वीडियो को पटकार लगाई और फिर भी वीडियो ने मिस्टोल जारी नहीं किए, आखिर तंग आकर फिर हेमाराम जी को इधर धरने पर बैठना पड़ा और आज बात हुई है, वो सकारात्मक बात हुई है और मिस्टोल मिस्ट्रो मास्टर रोल जारी कर दिए गए हैं और दूसरी जो भी मांगे थी वो मांगे मान ली गई है। तो क्या खिलाफ कार्रवाई की भी मांग? बिल्कुल, वीडियो के खिलाफ जांच गठित की कमेटी गठित करके जांच करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, और इस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं जो पूरी जनता नरेगा के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, लोगों को रोजगार का बड़ा जरिया है नरेगा, और नरेगा के अंदर इस तरीके की अनियमितता होना बाड़मेर जिले के लोगों के लिए ठीक नहीं है, और सरकार दुर्भावनापूर्ण भेदभाव रख के लोगों के साथ में जो पक्षपातपूर्ण करती है वैसा नहीं करना चाहिए, चुनाव के बाद में सब जनता सम्मान होती है, सबका काम करना चाहिए कि ये मेरे पक्ष का है इसका काम करेंगे और वो पक्ष का नहीं है उसका नहीं करेंगे, ये नीति नहीं रखनी चाहिए, ऐसी नीति तो रखते हैं नेता तो ये दुर्भाग्य की बात है। अपने बाड़मेर जैसलमेर जो जिला हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, और इस तरीके की द्वेष्टतापूर्ण भाव से अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में सबके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्या लगता है उम्मीदवार जी, यहाँ गुड़ा मालानी में ही हो रहा है या फिर पूरे जिले भर में हो रहा है? गुड़ा मालानी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बाकी थोड़ा बहुत पूरे जिले में हो रहा है, पर गुड़ा मालानी में सारी हदें पार गई, जैसे सड़क थी ग्रामीण सड़क जो पक्की रोडें बन रही थी वो भी जहाँ जियो टैगिंग पहले हो रखी थी उस स्थान पर न बनाकर अपने क्षेत्रों के बनाना, किसी जो उनके साथ में नहीं थे उनका काम रोकना, ये पूरे जिले के अंदर हो रहा है, लेकिन गुड़ा मालानी में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। किसके साथ भी थे सर? अपने दल के साथ में जो अभी सरकार है उस सरकार के साथ में जो लोग नहीं थे चुनाव में उनको द्वेष्टतापूर्ण भाव से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। तो सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि विष्णु की सीधा इंटरफेयर है। देखो जो पावर में है उनका इंटरफेयर है। ठीक है।